गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। तो आज शुरू करते हैं हम लोग हिंदी की क्लास। किसकी क्लास है आपकी? हिंदी की क्लास। अब हिंदी की क्लास में आपको क्या करना है, पहले आपको जो एनसी में आपने पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है। कैसे? ओरल। और ओरल जब आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको रिटेन में रिवीजन कराऊंगी। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि आपके जो कोर्स है उसमें कौन कौन सी हिंदी की बुक चलती हैं। तो देखिए, ये है इस पहली बुक है जो रीडिंग बुक है हिंदी की, और इसका नाम है वर्णमाला, मेरी पहली वर्णमाला। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप रीडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? फिंगर टच करके। कैसे करेंगे? फिंगर टच करके रीडिंग करेंगे। क्यों करेंगे? जिससे कि आपके जो आपके स्वर और व्यंजन हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, अगर हम बोल बोल के करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, उस पर हमारी अच्छी पकड़ हो जाती है। ठीक है? और लिखते क्यों? क्योंकि लिखने में हमारा अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो पहली बुक है आपकी रीडिंग बुक, मेरी पहली वर्णमाला। और आपकी दूसरी बुक है, दूसरी देखिए ये कौन सी है, सुनहरे वर्ण। सुनहरे वर्ण क्यों नाम है? देखिए कि आपकी इतनी अच्छी तैयारी हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए लिखने से, जिससे आपकी राइटिंग खूब सुंदर हो। सुलेख माला आपको क्या करना है, इसमें डेली क्या करना है, सुलेख करना है। ऐसे ही सेम एज इट इज़ आपको सुलेख करना है, जिससे आपका राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाए। ठीक है? तो ये आपकी क्या हो गई, वर्कबुक सुलेख माला। ये सेकेंड बुक है आपकी। और थर्ड बुक है आपकी, ये देखिए, जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो स्किल, स्किल होती है एक स्पेशल तैयारी। ठीक है? तो उसके लिए क्या है, ये आपकी है फन विद राइटिंग स्किल, हिंदी स्वर और व्यंजन। यहाँ भी हम आपको कैसे सिखाएंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ जैसे बनता है कोई चीज़, उसी तरीके से पहले लाइन की प्रैक्टिस करवाएंगे और फिर हम आपको ये स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस करवाएंगे, ये स्वर और व्यंजन की प्रैक्टिस करवाएंगे कि कैसे आपकी राइटिंग बहुत सुंदर हो जाए। यही समय होता है जब हम अपनी राइटिंग को सुंदर बना सकते हैं। बाद में क्या होता है, बाद में कोर्स बहुत बढ़ जाता है, हम इतना राइटिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हम अगर स्टार्टिंग से इसके लिए कोशिश करेंगे तो हमारी राइटिंग हमेशा अच्छी होगी। तो फर्स्ट आज मैं आपको करवाती हूँ क्या है, रीडिंग। क्या है ये देखिए, स्वर, स्वर होते हैं ना, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे आ से आहा तक, तो हम आपको आज रीडिंग करवाएंगे। तो आप अपनी बुक ओपन कीजिए, ओपन द बुक एंड पेज नंबर 2। अब देखिए क्या है, ये देखिए, आ से अनार, छोटे आ से अनार, आ से अनार हम सब खाते, खाकर अपनी सेहत बनाते। वन मोर टाइम, आ से अनार हम सब खाते, खाकर अपनी सेहत बनाते। अब आ से अनार तो आपने पढ़ा है, अब और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, आ से अनार, आ से अजगर, आ से अदरक, आ से अमरूद। और ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही पढ़ना है फिंगर टच करके, जैसे कि आपको पता भी चल जाएगा, इन जो जो भी चीज़ें होती हैं उनकी भी पिक्चर से आपको पता चल जाएगा, आपको करेक्ट इमेज पता चल जाएगी, कहीं भी देखोगे कि ये क्या होता है छोटे आ से। तो छोटे आ से अनार, छोटे आ से अजगर, छोटे आ से अदरक, छोटे आ से अमरूद। नेक्स्ट कौन सा स्वर आ गया, बड़ा आ। अब यहाँ पर क्या है, बड़े आ में क्या है, बना तो छोटा आ है, और ये जो लाइन है ना स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोलते हैं, बड़े आ की मात्रा। अब क्या है, बड़े आ से आम, बड़ा रसीला, रंग है इसका पीला पीला। किस किस को पसंद है, आम आने वाले हैं ना, हैं सबको बहुत पसंद है, और आम को हम फलों का राजा भी कहते हैं। तो बड़े आ से आम, बड़ा रसीला, रंग है इसका पीला पीला। आपको रंग भी डायग्नोस हो गया कि आम किस कलर का होता है, पीले कलर का। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं बड़े आ से, बड़े आ से आम, बड़े आ से आग, बड़े आ से आरी, और बड़े आ से आलू। आलू भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और नेक्स्ट आपका आ गया क्या है, देखिए, छोटी से इमली, छोटी से इमली, बड़ी चुलबुली, खाकर मच जाती है खलबली। किस किस के मुंह में पानी आ गया इमली से, बहुत टेस्टी होती है ना,
छोटी से इमली बड़ी चुलबुली खाकर मच जाती है खलबली। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इमली के अलावा? छोटी से इमली, छोटी से इलायची, छोटी से ईमानदार और छोटी से इंद्रधनुष। जब बारिश होती है तो इंद्रधनुष निकलता है सात रंगों वाला, इसलिए बोलते हैं इसको इंद्रधनुष। आप लोग देखते हो ना। अब नेक्स्ट कौन सा आ गया आपका? बड़ी ई। अब देखिए, बड़ी ई से ईख। बड़ी ई से ईख को कहते गन्ना, चाव से खाते इसको मुन्ना। अच्छा लगता है ना, सबको मालूम है, मुझे मालूम है कि सबको कि बड़ी ई से क्या होता है? ईख। बड़ी ई से ईख, बड़ी से ईसा मसीह, बड़ी से ईद, बड़ी से ईश्वर। अब नेक्स्ट आपका हो गया ये, देखिए, छोटे ऊ से उल्लू। छोटे ऊ से उल्लू रात को जागे, सुबह को सूरज देखकर भागे। उल्लू कब दिखाई पड़ते हैं? जब रात हो जाती है तभी ये निकलते हैं, उड़ते हुए हमें कभी कभी दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? छोटे ऊ से उल्लू रात को जागे, सुबह का सूरज देखकर भागे। अब उल्लू तो आपने पढ़ा है, अब और कौन सी चीज़ें होती है? क्लास बढ़ रहा है तो हमारा कोर्स भी बढ़ेगा। अब कौन सा? छोटे उसे उल्लू, छोटे उसे उछलना, जंपिंग करते रहते हैं ना बच्चे, वही चीज़ें ये। छोटे उसे उछलना, छोटे उसे उपहार और छोटे उसे उस तरह। अब नेक्स्ट आपका आ गया बड़ा ऊ। ठीक है, बड़े ऊ से ऊन है नरम नरम, बुनती स्वेटर गरम गरम। मम्मी किसका प्यारा प्यारा स्वेटर बुनती है? विंटर्स में ठंड से बचाने के लिए इसी ऊन से बुनती है। तो क्या हो गया? बड़े ऊ से ऊन है नरम नरम, बुनती स्वेटर गरम गरम। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? बड़े ऊ से ऊन, बड़े ऊ से ऊंट, इसको ना रेगिस्तान का जहाज भी बोलते हैं। बड़े उसे ऊन, बड़े उसे ऊंट। अब ये क्या है ये बताइए? ऋषि, ऋण से ऋषि। अब क्या? ऋण से ऋषि, ऋण से ऋतु। अब ऋण से ऋषि ध्यान में रहते, सदा ज्ञान की बातें कहते। ऋण से ऋषि ध्यान में रहते, सदा ज्ञान की बातें कहते। और ऋण से ऋतु भी होती है, आती ना जाड़ा गर्मी बरसात, उसको हम लोग ऋतु भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये, देखिए, अब ये भी आपने पहचान लिया होगा। छोटी ए से होती है एड़ी, पहनो इसमें जूतों की जोड़ी। क्या? छोटी ए से एड़ी होती है एड़ी, पहनो इसमें जूतों की जोड़ी। अब क्या? छोटी ए से एड़ी और छोटी ए से एक, स्ट्रेट लाइन होती है ना, एक वही है, और आपको वन बनाते हो वही एक है ये। छोटी ए से एड़ी, छोटी ए से एक। अब नेक्स्ट आ गया आपका ए, इसमें मात्रा लगी है। अब इसको बोलेंगे, इसकी साउंड आएगी ए। ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक नाक पर रहती, पढ़ने लिखने में मदद ये करती। कैसे? ऐसे ऐनक नाक पर रहती, पढ़ने लिखने में मदद ये करती। ऐसे ऐनक, ऐसे एरावत। एरावत भी पता है किसको बोलते हैं? हाथी को बोलते हैं। ई फॉर एलिफेंट पढ़ते हो, वही हाथी है ये, पर ये वाइट है ना, एरावत है ये, इसको बोलते हैं ऐसे एरावत, इसका नाम था हाथी का। ठीक है, अब क्या है? ओ से ओखली। ओ में एक मात्रा है, और देखिए कौन से डंडे से लगी हुई है। मैं क्यों इसको बता रही हूँ, जब आगे भी और आपको क्लियर होगा। ओ से ओखली। अब ये पहले वाले ये डंडे से लगी है, बाद वाले से ना, बाद वाले से ही दोनों मात्राएँ आती हैं। आप दोनों, आप लोग क्या करते हो बच्चे, मिस्टेक करते हैं, कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, क्या एक इससे मात्रा लगा देंगे और एक इससे? नहीं, दोनों मात्राएं बड़े आ का जो मात्रा है उसी पर से लगेंगी। तो ओ से ओखली कितनी महान, कुछ भी कूटो इसमें समान। मम्मी क्या क्या कूटती हैं जल्दी से बताओ? चाय बनाती हैं, अदरक कूटती हैं, और भी चीज़ें, बादाम कूटती हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत हेल्पफुल रहती है किचन में ये। तो ओ से ओखली कितनी महान, कुछ भी कूटो इसमें समान। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ओ से ओखली, ओ से ओस, ये भी आपने देखी है। सुबह को जब मॉर्निंग में उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग, तो क्या होता है, पत्ते होते हैं, प्लांट जो होते हैं हमारे, उन पर ओस गिरी होती है।
मोस्टली ये विंटर्स में गिरी होती है और इसी टाइप की ड्रॉपलेट हमें दिखाई देती है, तो इसको बोलते हैं ओस। ओ से ओखली, ओ से ओस और ओ से ओम। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या कर, किस शब्द का उच्चारण करते हैं? ओम शब्द का। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका ओ। ओ से देखिए, अब मात्राएं देखिए, वहाँ पर कौन सी मात्रा थी? एक मात्रा, और किससे लगी थी? बढ़िया की मात्रा जो उसके ऊपर से, दोनों मात्राएं इसी डंडे से लगेंगी, स्ट्रेट लाइन से। आप दोनों से नहीं लगाएंगे, दोनों मात्राओं को इसी से लगाना पड़ेगा। तो ओ से औरत कितनी महान, हर रूप में पायमान। वन मोर टाइम, ओ से औरत कितनी महान, हर रूप में पायमान। अब कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? ओ से औरत, ओ से औषधि। औषधि पता है किसको कहते हैं? जब हम कभी थोड़े से बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमको क्या देते हैं? दवाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? औषधि। ओ से औरत, ओ से औषधि और ओ से औजार। ये भी आप लोगों के थोड़े थोड़े नॉलेज में है। जब हम क्राफ्ट का वर्क करते हैं तो किसका यूज़ करते हैं? सीज़र का वर्क करते हैं, सीज़र को यूज़ करते हैं, वही चीज़ है ये। तो ओ से औरत, ओ से औषधि, ओ से औजार। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका? देखिए, अंग से अंगूर। जी फॉर ग्रेप्स पढ़ते हो और हिंदी में है अंग से अंगूर। अंग से अंगूर हैं बड़े रसीले, हरे हरे और काले पीले। बताना मुझको बच्चों, किसको कौन से पसंद है? एक आपने दो टू टाइप्स के अंगूर देखे ना, दो दिन टाइप के, एक ये हरे हरे होते हैं और एक ब्लैक वाले आते हैं, तो किसको कौन से पसंद है आप मुझे बताना। अंग से अंगूर हैं बड़े रसीले, हरे हरे और काले पीले। अब क्या हो गया? अंग से अंगूर, अंग से अंगूठी। नेक्स्ट आपका आ गया, लास्ट है आहा खाली। आहा से कुछ नहीं, आहा खाली। और बच्चों बजाओ ताली। आहा से कुछ नहीं, आहा खाली, बच्चों बजाओ ताली। तो हमने क्या करा आज? हमने इस बुक से आपकी रिवीजन करा, और किसका करा? स्वर का, आ से आहा तक। अब आपको लिखने का, बच्चे बहुत जल्दी में होती है, स्टार्टिंग क्लास होती है, पेंसिल होल्ड करने का होता है कि हम कैसे होल्ड करेंगे, होल्ड करना आ जाता है, लेकिन हमको करेक्ट वे में कैसे बनाना है। तो हमने ये बुक आपकी ओपन की है, इसमें क्या होता है, परफेक्शन आएगा हमारी राइटिंग में, जो हमें अभी अच्छा करना है। तो फर्स्ट लाइन आपने इंग्लिश में भी सीखी है, स्ट्रेट लाइन और स्लीपिंग लाइन हिंदी में भी आपको सीखनी है। तो फर्स्ट देखिए, आप ब्लॉक है आपकी, कितने लाइन्स की इंग्लिश हिंदी की बुक वो है नोटबुक? 1, 2, 3, 4, 5 लाइन्स की है। अब देखिए, आपको 3 लाइन्स में काम करना है, और ये जो ऊपर की और नीचे की लाइन है ये किसके लिए होती है? मात्राओं के लिए, हमें इससे बाहर नहीं निकालना है। अब देखिए, हमको इन्हीं 3 लाइन में क्या बनाना है? स्ट्रेट लाइन। इसके अब क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग लाइन्स, जो आप इंग्लिश में भी सीख चुके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गई आपकी? ये देखिए, थर्ड लाइन पे काम करेंगे, और यहाँ आ गई आपकी स्लीपिंग लाइन्स। ये देखिए, मैं इसको डार्क कर रही हूँ, यहाँ पता नहीं चल रहा है, ये आपकी हो गई, इसको बोलते हैं स्लीपिंग लाइन्स। ठीक है, तो 1 पेज आपका होमवर्क है, आपको ट्रेस करना है और यहाँ पर आपको अपने आप बनाना है। 2nd पेज होमवर्क हो गया, आपको स्लीपिंग लाइन्स बनानी है और यहाँ पर ट्रेसिंग है, और यहाँ पर आपको अपने हाथों से सुंदर सुंदर स्ट्रेट लाइन खींचनी है। और 3rd आपकी हो गई, इसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन्स। क्या बोलते हैं इसको? स्लांटिंग लाइन्स। स्लांटिंग हो गई आपकी, तिरछी करके जाती है। अब हमको किससे बनानी? इसी 2nd लाइन से। ये देखिए, जब आप ए बनाते हो तो यूज़ करते हो ये लाइन, सेम वही लाइन है, इसको बोलते हैं स्लांटिंग लाइन्स। अब ये क्या हो गया? ये राइट थी और ये आपकी आ गई लेफ्ट, हो गया आपका। तो कौन कौन सी 4 लाइनें हो गई? स्टैंडिंग लाइन्स, स्लीपिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स। स्लांटिंग में ये आपकी हो गई राइट एंड ये हो गया लेफ्ट। अब यहाँ भी आपको क्या करना है? ट्रेसिंग करनी है दोनों पेजों पे, और यहाँ पर अपने आप ये जो आपके डॉट्स दिख रहे हैं इसको आपको अपने आप सुंदर सुंदर और बिल्कुल इस अच्छे से बनाना है। नेक्स्ट आपकी आ गई, अब देखिए इसको बोलते हैं कर्व। कर्व क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप आ बनाते हो ना, ये देखिए, ये तो ये क्या हो रहा है? ये कर्व लाइन्स हैं, तो आपको इसको भी इसी तरीके से बनाना है। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये देखिए, ओके, ये हो गया राइट कर्व।
अब आपका ये हो गया आपका लेफ्ट कर्व, ये हो गया राइट कर्व और ये हो गया आपका लेफ्ट कर्व। यहां भी आपको ट्रेसिंग करनी है और इन दो लाइंस में आपको अपने आप बनाना है, क्योंकि जब आप इतनी प्रैक्टिस ट्रेसिंग से कर लोगे तो आपको ये अपने आप बनाना आ जाएगा। हो गया, अब नेक्स्ट एक और है आपके पास, ये देखिए। अब ये भी सुलेख है और इसमें भी आपको क्या करना है, काम हमें थ्री लाइंस में ही करना है। ये देखिए, जैसे एस बनाते हो ना हिंदी में, इंग्लिश में एस बनाते हैं, सेम उसी तरीके से आपको बनाना है। ये देखिए, सेकंड लाइन तक लाएंगे फिर थर्ड लाइन तक। तो ये आपका हो गया, कौन सा हो गया, फर्स्ट हमने आपको सिखाई थी स्टैंडिंग, देन स्लीपिंग, स्लांटिंग लाइंस, अगेन स्लांटिंग लाइंस, कर्व राइट एंड कर्व लेफ्ट। और ये आपका, ये देखिए, जैसे एस बनाते हैं इसी की जरूरत भी पड़ेगी, जब हम ई बनाएंगे ना तब इस कर्व की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको देखना, लाइन से देखो कि कहाँ तक आना है, ठीक है। अब आपका ये क्या, ये कब कर्व कब यूज होता है, आप देखिए, जब छोटे आ बनाओगे तब आपका ये कर्व यूज होगा। ये देखिए हो गया, तो ये कर्व का यूज कब करेंगे, छोटे आ बनाते समय, और इसका हम जब हम ई बनाते हैं, छोटी ई बड़ी तब हम यूज करते हैं, और इसका छोटा आ बड़ा आ ऊ बड़ा ऊ इसमें हम इस कर्व का यूज करते हैं। और ये देखिए आप, लाइंस का यूज तो हमेशा ही हमारा होता है और स्टैंडिंग लाइंस का भी हमारा यूज होता है। तो हमने कितने आपको यहाँ पर कर्व सिखाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आपको, आपको ये आपको इस बुक में होमवर्क है और आपको करना है। कैसे करना है, बहुत पेंसिल, हमेशा शार्प पेंसिल यूज़ करना, शार्प करी भी और बढ़िया पेंसिल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की ओर कंप्लीट करना है, सब पे डॉट्स लगे हुए हैं और आपको इसको कंप्लीट करते जाना है। और यहाँ पर ये आपका टू लाइंस का होमवर्क है, इसको आपको अपने आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आप यहाँ तक आकर आपको अपने आप बनाना आ जाएगा। सेम इसी में प्रोसीजर सेम है, आप यहाँ पर भी आपको डॉट्स लगे हुए हैं और आपको इस पर ट्रेसिंग करना है और यहाँ पर अपने आप बनाना है। लाइंस का ध्यान रखना, कौन सी लाइंस में काम हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, थर्ड लाइन है स्लांटिंग राइट लाइन है, इसमें भी आपको ट्रेसिंग करनी है और यहाँ पर देखिए डॉट लगाना है, डॉट से डॉट मैच करना है, मिलाना है। फोर्थ कर्व आ गया आपका, फोर्थ लाइन आ गई आपकी राइट, इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको ट्रेसिंग करनी है और ये टू लाइंस का होमवर्क है जिसमें आपको डॉट टू डॉट मैच करना है। नेक्स्ट आ गया आपका कर्व स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक ये देखिए राइट कर्व स्ट्रोक है और यहाँ पर लेफ्ट कर्व स्ट्रोक है। इस बुक को भी आप, और कोशिश करना जब कभी भी पेंसिल कुछ भी इधर उधर हो जाती है तो उसको इरेजर का यूज़ करना और उसको उसी समय करेक्ट करना, ठीक है। ये नहीं कि बन रहा है तो आप ऐसे ही मैम सही करेंगी, नो, आपको अपने आप ही सही करना है। तो सब आपको ट्रेसिंग करनी है और फिर यहाँ पर आपको बनाना है। नेक्स्ट आ गया क्या, आ गया आपका क्या है, लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व में भी आपको ट्रेसिंग करनी है पूरी लाइंस में और टू लाइंस का आपका होमवर्क है। एंड लास्ट देखिए, ये इस स्ट्रोक की जरूरत कब पड़ेगी, जब आप छोटी ई बनाते हैं, छोटी ही बनाएंगे तो इस स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। तो सेम आपको इस पर ट्रेसिंग करनी है और ये टू लाइंस में आपको, चलिए एक बार मैं फिर से आपको शो कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को राइटिंग अपना साफ करना है, तो बहुत ध्यान से एक बार बहुत ध्यान से देखिए। वन मोर टाइम, पेज नंबर क्या है, सेकेंड, और बुक है आपकी फन विद राइटिंग स्किल। तो फर्स्ट स्ट्रोक कौन सा है आपका, स्टैंडिंग लाइंस, और स्टैंडिंग लाइंस में क्या है, डॉट दिए हुए, तो इन डॉट्स पे आपको पेंसिल ट्रेस करनी है और ये टू लाइंस में आपको अपने आप बनाना है। तो बहुत ध्यान से बनाइएगा और बहुत साफ साफ लिखिएगा। और जब अगर कभी पेंसिल आपकी इधर उधर होती है तो ये नहीं कि छोड़ दिया, आपको उसको इरेजर से यूज़ करना है और अपने आप करेक्शन करना है। क्यों, क्योंकि अगर आप अभी करेक्ट करोगे तो आगे तक के लिए आपका पता लग जाएगा कि यहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई है और हमें इसको करेक्ट करना है, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा बेटा। और नेक्स्ट आपका है स्लीपिंग लाइंस, आप पहले सीख भी चुके हो और यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि ये देखिए डॉट्स लगे हुए, इन पे भी आपको ट्रेसिंग करनी है और टू लाइंस का आपका होमवर्क है जो आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट थर्ड स्ट्रोक है आपका, ये देखिए स्लांटिंग लाइंस है,
राइट एंड लेफ्ट, स्लांटिंग लाइंस राइट एंड लेफ्ट सेम है, डॉट्स लगे हुए हैं, आपको इस पर ट्रेसिंग करनी है, टू लाइंस होमवर्क। देन अगेन लेफ्ट राइट है स्लांटिंग लाइंस, आपको क्या करना है, ट्रेसिंग करनी है और टू लाइंस का आपका होमवर्क है। नेक्स्ट है आपका कर्व स्ट्रोक, कर्व स्ट्रोक राइट एंड लेफ्ट। अब इस स्ट्रोक की जरूरत भी हमें कब पड़ती है, जब हम आ बनाते हैं, आ उ बनाते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये डॉट्स लगे हुए हैं और आपको इस पर क्या करना है, पेंसिल ट्रेस करनी है दोनों जगह पे, और टू लाइंस में आपको बनाना है। लाइनों का ध्यान रखना, बहुत अच्छे स्ट्रोक्स लगाएंगे और ताकि आपका राइटिंग बहुत सुंदर हो। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये स्ट्रोक आपको एस की तरह दिख रहा है, क्यों, इस स्ट्रोक का यूज़ आप कब करोगे बताएं, जब आप छोटी ई बनाते हो, बड़ी ई बनाते हो, तब हमारा इस स्ट्रोक का यूज़ होता है। तो इसीलिए लाइनों का ध्यान रखते हुए बनाओगे तो हमेशा अच्छा बनेगा, अच्छा काम कर पाओगे आप। तो आपको ये डॉट्स दिए हैं, इसी तरीके से आपको सेकेंड लाइन से स्टार्ट करते हुए कर्व देते हुए आपको थर्ड लाइन तक जाना है, और ये टू लाइंस का होमवर्क है, सेम इसी मेथड से आपको यहाँ पर अपने हाथ से बनाना है। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रोक क्या आपका, इस स्ट्रोक का यूज़ आप कब करते हो, छोटा आ बड़ा आ, छोटा उ बड़ा उ बनाते वक्त। तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे कट आएगा, सेकेंड लाइन में, देन अगेन थर्ड लाइन में आपको लगा कंप्लीट करना है और अच्छे से बनाना है। इसको हम थ्री में भी यूज़ करते हैं, जब आप एनसी में आपने सीखा है तो थ्री में भी आपको बनाते हो, और यहाँ पर ये ऊ आ और इन सब में ये स्ट्रोक यूज़ होगा। तो आपको ट्रेसिंग करनी है और फिर दो लाइन में आपको प्रैक्टिस करना है। मैं क्यों राइटिंग पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ बच्चों, मैं इसलिए राइटिंग पे जोर दे रही हूँ क्योंकि अभी जो आपने अगर सही से कर लिया तो वो आगे उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर या कोई भी, अपने आप ही काम साफ होगा, आपकी आदत पड़ जाएगी उसके लिए। तो अभी छोटे बच्चों में कोर्स कम होता है, बच्चे भी छोटे होते हैं, तो हम पूरा फोकस करते हैं कि बच्चों को हर चीज़ डायग्नोस हो जाए इमेज के साथ और वो राइटिंग में अपनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा यही कोशिश है कि आप लोग इसी तरीके से काम करना और अच्छा अच्छा होगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो हमने ये आपको रीडिंग करना सिखाई है, बुक से रीडिंग करिएगा आप लोग फिंगर टच करके, और इन स्ट्रोक्स की आप प्रैक्टिस करेंगे अपनी इस वाली बुक्स में, ठीक है। कल से हम लिखना सिखाएंगे और फिर मिलते हैं, तो बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास एंड टेक केयर बच्चों, बाय बाय।